बॉलीवुड में कई ऐसे कपल हैं जो तलाक के बाद भी एक दूसरे से मिलते हैं, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। लेकिन एक्टर आमिर खान और डायरेक्टर किरण राव की जोड़ी ऐसी है कि दोनों तलाक के बाद भी पब्लिकली उतने ही साथ दिखाई देते हैं जितना कि पहले नजर आते थे। हाल ही में एक्स कपल वोट देने एक साथ पहुंचा था। बॉलीवुड की पार्टी भी किरण आमिर एक साथ ही अटेंड करते हैं। आमिर खान रीना दत्त की बेटी आयरा की शादी में किरण राव और आमिर का बॉन्ड देखने को मिला था। दोनों को साथ देख अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि अगर आमिर खान और किरण राव में इतनी समझदारी है तो ये शादी क्यों टूटी। इस सवाल का जवाब किरण ने एक इंटरव्यू में दिया है। लापता लेडीज के डायरेक्टर ने आमिर खान के साथ अपने रिश्ते पर बड़ा खुलासा कर दिया है। किरण राव ने आमिर खान से 2005 में शादी की थी और 2021 में उनका तलाक हो गया। किरण राव अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ पर खुलकर बात करती हैं। लापता लेडीज के डायरेक्टर अब तक कई इंटरव्यू में आमिर संग तलाक और रिश्ते पर बात कर चुकी हैं। अब उन्होंने हाल ही में एक बार फिर से इस बारे में बात की और एक नया खुलासा किया। किरण राव ने ये बताया कि वो और आमिर शादी करने से पहले एक साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। साथ ये भी बताया कि उन्होंने माँ बाप के दबाव में आकर शादी की थी। किरण राव ने ये माना कि शादी एक खूबसूरत चीज है, पर लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को अक्सर कम समय मिलता है क्योंकि उनसे घर और पति के परिवार के साथ रिश्ते बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। किरण राव बोली, आमिर और मैं शादी से पहले एक साल तक साथ रहे और ईमानदारी से कहूं तो हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि माता पिता और बाकी सब कुछ, और उस समय हम ये भी जानते थे कि आप एक कपल के साथ अपनी खुद की भी पहचान कायम रखें। किरण ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब शादी को किस तरह से लेते हैं ये बहुत अहम है क्योंकि एक जरूरी उद्देश्य के लिए था, पर सोशल एक्सेप्टेंस बहुत से लोगों के लिए मायने रखती है, ये बच्चों के लिए मायने रखती है। शादी आपको बहुत सी बेहतरीन चीजें देती है, ये आपको एक नया परिवार देती है, ये आपको रिश्ते देती है और ये आपको सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की भावना देती है। किरण राव ने फिर शादी में एक महिला के ऊपर जिम्मेदारियों के बोझ पर बात की और कहा कि हमेशा ही महिलाओं से ज्यादा उम्मीद की जाती है कि वो काम भी करें और पूरे घर को एकजुट भी रखें। वो बोली, महिलाओं पर घर चलाने की, परिवार को एकजुट रखने की बहुत जिम्मेदारी होती है। महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वो अपने ससुराल वालों के संपर्क में रहें। महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने पति के परिवार के साथ फ्रेंडली रहें। ये बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि इस पर बात करने की जरूरत है। बता दें कि किरण राव ने शादी के 21 साल बाद आमिर खान से तलाक लिया है। जब पूछा गया कि क्या कभी उन्हें तलाक से डर लगा तो किरण राव ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में सोचने के लिए काफी वक्त ले लिया था और इसलिए उन्हें डर नहीं लगा। किरण ने आगे बताया कि वो और आमिर अभी भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और प्यार करते हैं, तलाक के बाद ये चीज नहीं बदली है। बता दें कि किरण खेर ने पहली बार इसका खुलासा किया कि आमिर और उन्होंने शादी दबाव में आके की थी। किरण का ये स्टेटमेंट इस समय सुर्खियों में बना हुआ है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN बॉलीवुड। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज नेशन डिजिटल के साथ। शुक्रिया।